फिजिकल यूनिट सैंपल क्या है, और अब क्या जाने चलो मैं था मौके पे, वो तो एक बात, लेकिन बाकी जो आप बता रहे हैं कि आप कहाँ से हिसाब लगा रहे हैं, अखबारों से, लार्ज मीडिया, ऑल मीडिया राइट, सम फॉर्म ऑफ मीडिया और दी अदर, तो इट मीन्स के सबके पास जो मालूमात हैं वो मतलब एक तो कहते हैं ना मीडिएटेड है, लिटरली मीडिएटेड लाइक थ्रू द मीडिया, आप की राय या आप जायजा या आप तजिया कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, जो कि बजाते खुद भी कुछ चीज़ बताता है। ये तो एक बात है जो हम बड़े अरसे से इधर ही करते आ रहे हैं कि ये कंसेप्चुअली कम अज़ कम अगर एक सतह से पहले हम कंसेप्चुअली सोचें इस बात को, जैसे अयाज ने भी अपनी तरफ से दी, लेकिन अयाज ने इस पर नहीं ज़्यादा तवज्जो दी कि ये जो इजहार हो रहा है हक में या खिलाफ, स्पेशली हक में, मतलब अगर ये बात सच मानी जाए कि लोग एक्चुअली इतने ज़्यादा नहीं थे मैदान में अमल में, लेकिन जो एक रायामा बनी वो उससे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक आप बर्ड्स आई व्यू के तौर पर देखें, ये मोमेंट और नहीं तो ये फिर से जाहिर कर देता है कि जो सियासत का जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा आप जो है ना मीडियाटाइज्ड है और ये डिजिटलाइज्ड है, और इसको एक मतलब जस्ट ऑब्जेक्टिव कोशिश थी, कू की कोशिश थी। देखिए कू का मतलब क्या है, कू का मतलब ये है कि फौज का एक धड़ा दूसरे धड़े के खिलाफ, अदलिया का एक धड़ा दूसरे धड़े के खिलाफ। ये मत समझें कि ये इदारे बिल्कुल अब इस वक्त मुनज़म और एक ही तरह का इनका किरदार, ऐसा नहीं। और ये चाहे आप इसको कू कहें या न कहें, ये फिर भी किसी हद तक एक सच्चाई है कि पार्टली जो आप सब ने बात की और जो इस मजमून में भी लिखा गया है, क्योंकि 8-10-15 साल इतना एक शौरी मंसूबा बनाया गया, एक उस वक्त तो एक बज़ाहिर मुनज़म यानी कि एक तौर तरीक़ों के तहत मंसूबा बनाया गया कि नौजवान मतलब स्पेशली वो जो डिजिटलाइज्ड मीडिया को इस्तेमाल करने वाला नौजवान वो पक्का इमरान खान का सपोर्टर हो, वो फिफ्थ जनरेशन वॉर की बातें सुबह शाम नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ बातें करें, ठीक। और जैसे आप बता रहे हैं कि वो दूसरे मुखालिफ सियासी लोगों को दबाएं भी, उस पर तालियां भी बजाएं कि जब उन पर जबर हो और उसके खिलाफ, ठीक। हुआ क्या कि जब वो मामला बिगड़ गया तो अब वो तो काबू में तो नहीं आ सकता इतनी आसानी से, खैर चूँकि तैयार शुदा एक पूरा एक आप कह लें कि हल्का है ना, और वो मतलब उसको आपने एक जैसे एक पटरी पे लगा दिया, और अब जब अचानक आपने कहा नहीं ये तो अब फजूल आदमी हो चुका है इमरान खान, अब कोई वो नहीं रहा, निजात दहिंदा नहीं रहा, वो जो पूरा हल्का था वो तो इतनी आसानी से आपके काबू में नहीं आ सकता। उसका नतीजा क्या देखो, उसको आप अगर एक तरह से देखें तो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे हम सोच रहे ना कि फ़ौज या रियासत जो है ना समाज की इंजीनियरिंग करती है और करती आ रही है, आज से नहीं हमेशा से, अंग्रेज दौर में भी ये होता रहा, ये एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो हलके हैं जिन्होंने आपको जिनको आपने तैयार किया और सेम पेज और सब कुछ किया, भाई उनके फौजियों के बच्चे हैं, खुद फौजी हैं उसमें, राइट। तो ये फिर एक चाहे आप इसको कू समझें ना समझें, बट ये किसी हद तक तो दुरुस्त बात है कि एक अंदरूनी
اداروں کے اندر بھی ایک اندرونی کشمکش ہے. ایک تو یہ, دوسری بات ہے جو میرے خیال سے سارے, اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک آپ کو اتنی سختی مل رہی ہے جواب میں. سختی ہے نا, آرمی ایکٹ کا لاگو کرنا, ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائلس کرنا, ٹھیک, مطلب یہ کافی ایک طرح سے ان لوگوں کو, ان حلقوں کو, ان افراد کو بھی پکڑ دھکڑ ان کی کم از کم کوشش کرنا جو اچھے بھلے لاہور کی اشرافیہ کی ہم بات کر رہے ہیں. مثلاً اب اس کا دیکھیں, مجھے پتہ چلا یہ سلمان شاہ مشرف کے دور میں ایک مشیر خزانہ تھا, آلموسٹ بیکیم لائک اسٹیٹس آف وزیر خزانہ جب شوکت عزیز کو وزیر خزانہ سے وزیر اعظم بنایا, ٹھیک, پکا آئی ایم ایف یا اور ورلڈ بینک اور وہ پورا نیز, اور وہ مطلب باثر آتی ہے نا لاہور کی اشرافیہ کا. تو اس کی بیٹی جو ہے اپیرنٹلی یہ سارے اس نو مئی کے سارے لاہور کے واقعات میں اس کا ایک بڑا, کم از کم سوشل میڈیا پہ اس نے بڑا مطلب وہ سارا سلسلہ چلایا. تو دے آر ایکچولی ایون سجیسٹنگ اس طرح کے لوگوں کو ہم پکڑیں گے. اب یہ کوئی عام بات نہیں ہے نا, یہ کوئی سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے ہی شاہ سے زیادہ وفادار حلقے بھی اب آپ کے لیے وفادار نہیں رہے, تو دس از سم سینس آف, اب یہ شاید پہلے پوز کاؤنٹر پوز پہلے بھی ہوتے رہے پاکستان کی تاریخ میں, یہ ایک چیز نہیں ہے کہ یہ سب ڈیجیٹلائزڈ ہے, یہ سب ایک پبلک ریلم میں اس طرح جا رہا ہے. یہ تو ایک ہوگی دو چار موٹی موٹی باتیں جو کہ مطلب اگر آپ صرف جائزہ لیں ہو گیا. جو دوسرا بڑا سوال تو اس مضمون میں بھی ہے اور سب آپ ایک کچھ نہ کچھ اس کو اٹھا بھی رہے ہیں, وہ چلو ایک تو وہ ہلکا ہے جو کہ آتا ہے, وہ بہت آج سے پہلے اس کو بہت سے مسئلہ بھی نہیں تھا, مسئلہ بھی نہیں تھا, وہ اکتوبر 2021 میں افغانستان کے عوام کی آزادی کے جشن منا رہا تھا, وہ خیر زمین جب کابل میں جا کر رہنا مطلب ہے وہ مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ جی سب اچھا ہو جائے گا, یہ وہ ہلکا ہے نا, وہ تو ایک ہلکا ہے. واٹ ایلس از گوئنگ آن, چاہے وہ لوگ سڑک پر نکل کر آئیں اور آئی ڈونٹ نو مطلب وہ کس حد تک, یہ تو ہر جگہ پہ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. مطلب سوات میں بھی مار دھاڑ ہوئی, دیر میں بھی مار دھاڑ ہوئی, لاہور میں بھی ہوئی, یعنی ہوئی, لوگ کون تھے وہ, آر دے آل پی ٹی آئی اور ناٹ, یہ بھی ایک سوال. کیا ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ ویسے ہی متنفر ہے, جو کہ مضمون میں بھی آیاز کا ایک مطلب وہ ایک طرح سے عام طور پہ بندہ ایک یہ گیس کر رہا ہے کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اتنی بدحالی ہے اور معاشی طور پر اتنی تنگی ہے, اور اسپیشلی یو نو وٹ آئی تھاٹ واز اے بگ ٹریگر واز دی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن. یہ بھی ایک بات آپ کو بتاتا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کا کتنا بڑا رول آ چکا ہے. اب انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا نتیجہ کیا نکلا, صرف یہ نہیں نکلا کہ آپ پی ٹی آئی کا جو رابطہ اور وہ جو ان کے میسیجز اور پیغامات اور بیانیے کو آپ روک رہے ہیں, وہ فوڈ پینڈا کے ڈرائیور کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں, وہ آن لائن مارکیٹنگ کرنے والے چھوٹے موٹے لوگوں کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں, ٹھیک. ایک ایسٹیمیٹ کے طور پر کوئی 10-12 لاکھ لوگوں کا روزگار 3 دن میں برباد ہو گیا. وہ تو صرف روزگار ہے نا, اور بھی ملٹیپلائر افیکٹس ہوتے ہیں نا. سو another example of how digitalization is also transforming the economic sphere. اب وہ بندہ بھی آپ سے متنفر ہوگا چاہے وہ پی ٹی آئی سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو, صحیح, وہ تو ہو ہی رہا ہے. میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو ابھی مختلف شہروں میں, کیونکہ لوگوں نے ہم سے رابطے کیے, کہ جو کہ اٹھا کر اندر ہو گئے, کیوں بھائی, وہ کسی زمانے میں کسی چائے خانے میں کسی پی ٹی آئی والے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اندر ہوئے میں, ٹھیک, ایسے بھی لوگ ہیں, رائٹ, کہ اینڈ دس از واٹ ہیپنز وین یو ہیو لائک انڈسکریمنیٹ ریپریشن. اور بھی اگر اس کے, ہاں, کئی چیزیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہوا, مثلا سندھ میں خاموشی, بلوچستان میں خاموشی, رائٹ, ٹھیک, ایون مجھے نہیں خبر ملی کہ ملتان میں یا مطلب سرائیکی علاقوں میں بہت زیادہ کوئی اس طرح کا بڑا رد عمل آیا. سو یہ بھی ایک سچ ہے, یہ بھی ظاہر کرتا ہے
वही जो हम जो ट्रेजेक्ट्रीज की हम पहले बात की अनइवननेस है अनइवननेस है इवन इन द वे दोज नैरेटिव्स और आइडियोलॉजीज फैलते हैं और कितनी उनको यानी कि जिसको कहते हैं पजीराई हासिल होती है। लेकिन एक चीज़ है जो आप सब ने बात की और ये बहरहाल इख्तलाफ वो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर किया या अब ज़्यादा लोग उससे मुतासर हो रहे हैं चूँकि वो जबर हो रहा है जो भी वजह है टू वट एवर एक्सटेंट दैट्स द केस दैट रिफ्लेक्ट्स कि भी देयर इज नो नथिंग एल्स एंड ये बात सही है। अगर आप PDM का रवैया देखें तो वाकई बहुत खौफनाक है। कई ऐसे PDM के या पीपल्स पार्टी के वजीर वजूर ऐसे अजीब वरीब बयान दे रहे हैं जिसको कुछ समझ नहीं सर पैर नहीं समझ आ रहा। वो जो टिपिकल वही नेशनल सिक्योरिटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये तो पाकिस्तान के वजूद पर हमला है वो जो एक टिपिकल बयानिया होता है ना जो पहले हुकूमत में जो वो थे वो यही बयानिया देते थे और अब वो ये आ गए। सो दिस शोज वन थिंग फॉर श्योर कि देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ विजन एंड कम्प्लीट एबसेंस ऑफ के कोई मुतबादल वाले जो कम अज़ कम चलो ताकत की तो बात की बात है लेकिन मुतबादल कोई सोच आपको मेन स्ट्रीम। अब ये एक सवाल है जिस पर सब ने पूछा भी इसकी क्या वजह है। एक वजह ये है जो ये नहीं दोस्त ने कहा लेकिन ये चलो अगर हम इस चीज़ को एक बड़े मफरूज़े के तौर पर जो कि लेफ्ट के लोग फजूल हैं उनको अगर आप मैं नहीं कह रहा आपने कहा मैं वैसे एक बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि या तो उनको बात करनी नहीं आती ताकि लोग उसके लोगों के जज्बात के साथ वो जुड़ सकें या उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है सिवाय बड़े मतलब ज़माना है कदीम के बड़े खुश किस्म के तज़िये ठीक या अगर आप थोड़ा सा उसको एक और अंदाज में उसको पेश करें कि उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई को मतलब मिला लेते हैं इन तीनों पहलुओं कितना जबर है इतना आपने एक माहौल एक महदूद बनाया कि या तो PTI जैसे बयानिए की जगह या PDM जैसे बयान और उनके बयानियों में कुछ ज़्यादा फ़र्क है भी नहीं स्पेशली जब वो इक्तदार में आते तो इसलिए और तरह के बयानिए के लिए आपने स्पेस ही नहीं छोड़ी। अब ये सारे सच हैं ये सारी बातें किसी न किसी हद तक सच हैं और इसमें ये बात जो बात पर कहते आ रहे हैं भाई ये उसमें एक साथ में जो फजूल वाली बात है फजूल में ये भी जाहिर होती शामिल है कि एक दूसरे को ही वो छोड़ते नहीं हैं भाई बाहर का बड़ा दुश्मन को छोड़ो एक दूसरे की वो टांगें खींचते थे। आजकल मैं आजकल बहुत हैरान हूँ कि किस हद तक यू नो एमल और फिर मोहसिन और ये सारे खुलेआम लड़ रहे हैं खुलेआम एंड इट्स नॉट लड़ भी नहीं रहे खौफनाक किस्म के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि बंदा सोचता है तो दुश्मन भी नहीं लगाएगा यू नो लाइक इट्स क्रेजी ये हो रहा है ना ये हो रहा है वो आप नेशनलिस्ट के हलकों में से निकल जाएं आप कभी फेमिनिस्ट हलकों में जाएंगे तो आपको यही नज़र आएगा राइट right? एक वजह ये भी है नाउ ऑल ऑफ दिस इज टू सजेस्ट वन बेसिक मतलब अगर आप एक तरफ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें और दूसरी तरफ सब्जेक्टिव गैप का या खिलाफ की बात करें तो और नहीं तो ये बात तो वाजे हो जाती है ना कि दिस इज अ रेवोल्यूशनरी मोमेंट माइनस अ रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट। देखें आप एक चीज ज़हन में रखें मतलब अगर आप किसी भी मुल्क में जो 20वीं सदी में इंकलाब आए उनमें बुनियादी शर्त ये थी अंदर सदी टूट फूट हो अंदर बोल्शेविक इंकलाब का आखिरी क्या एक तरह से मारका था जब रूस के बैरिया के अंदर बगावत हो गई म्यूटनी हो गई फौज के अंदर म्यूटनी हो गई या सेम सॉर्ट्स ऑफ ऊपर ऊपर की लड़ाइयों में अफगानिस्तान में भी यही हुआ। आप जहां पे भी देखेंगे किसी न किसी हद तक आपको ये मिलेगा अंदर टूट फूट है और फिर उस टूट फूट के नतीजे में नीचे से कोई एक मुतबादल कुवत है जो कि टूट फूट को का फ़ायदा उठा कर जो है ना वो रिप्लेस करता है डिस्प्लेस करता है। टूट फूट मौजूद है माशी मॉडल बिल्कुल मतलब उसका आप कह सकते हैं कि इंटायरली अनसस्टेनेबल है सिर्फ लूट मार है बंदर बांट है
और कोई यहाँ पे मईशत का तो मॉडल ही नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा ना, एक मॉडल ये है कि आप कब्जा गिरी करें जमीनों पे, जंगलात पे, पानी के जखायर पे, मादिनियात पे, ठेके दें, एक तो ये है ठीक। दूसरा ये है कि जी इंटरनेट है, नौजवानों को अपने हाल पे छोड़, ये भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब है वो, कोई उसको कहते हैं वो विजन नहीं है, बस लोग खुद कर रहे हैं ना इन अ सेंस। और तो कोई माशी मॉडल नहीं है, देयर इज नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कि जिससे रोजगार पैदा हो, कोई तालीमी पॉलिसी नहीं है जो कि आपको अपने इदारे में भी नज़र आता है कि भाई लोग आ रहे हैं, तादाद यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स की बढ़ रही है, बट देयर इज नथिंग एल्स, नो अदर कंसेप्चुअलाइजेशन कि सहूलतें कहाँ से पूरी होंगे, टीचर्स कहाँ से पूरे होंगे, वो कोई उनकी वोकेशनल या मेंटोरिंग हो कि वो जब छोड़ेंगे करेंगे क्या, उसके साथ कुछ भी नहीं है। तरीके से वो पहुंचता है लोगों के पास, और ऑफ कोर्स सिर्फ बयानिया इम्पोर्टेंट नहीं होता, बयानिया तो इमरान खान के पास 1995 से था ना, वही वाला जो हमेशा से था, बयानिया तो उसका 2002 में भी था एंटी अमेरिकन, जब वो बाकायदा नेटो ट्रक्स के सामने जाकर बैठ गया था, आपको किसी को अगर याद हो, बयानिया तो उसका चलता रहा 2011 के बाद, वो कोई आप कहें कि मैस पार्टी का, और उसमें जैसे अमूमी एक इत्तफाक है कि उसमें भी भाई लोगों का हाथ था, ये ज़रूर हुआ कि इस बयानिए को पॉपुलराइज करने में, और चाहे वो इलेक्टोरल स्फीयर में जाहिर हुआ या नहीं हुआ कामयाबी 2013 से पहले, लेकिन उस बयानिया को पॉपुलराइज करने में यही नौजवान नस्ल डिजिटलाइज मीडिया को इस्तेमाल करने वाली, वो वक्त के साथ उसके साथ थोड़ी जुड़ती चली गई, ये एक सच है, ये इसको मानने वाली बात है कि मिसाल के तौर पर ये ऐसे लोग हैं जो हमारे अब बाद में दोस्त बने, एक है ताबिंदा उनका नाम है, वो उन्होंने इस पर मज़मून भी लिखा है, वो मैं PTI, वो बताती है कि मैं PTI में थी और हम उस वक्त बतौर नौजवान ये पहली जमात थी जिसने अपनी मेंबरशिप को डिजिटाइज किया, जिसने कोई नए ज़राए अबलाग को इस्तेमाल किया नौजवानों को अपील करने के लिए, राइट। सो देयर इज़ वन लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दिस दैट, बहरहाल वही वाली बात कि फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स में ये जो डिजिटल है, अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये एक बहुत अहम है। दूसरा जो इसमें से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जहाँ तक बात है कि क्या किया जाए, ये बात इनकी सही है। देखिए ये जो तजिया निगारी है ना, ये वजह है, ये वजह है, वो वजह है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम भी खुद मुलव्वस हैं ना इस सारी सूरत हाल, you know, this and this is what also we have to acknowledge that the PTI has done successfully, chahe wo sindh balochistan mein koi bhi ek banda unke sath nahi aaya, lekin jahan pe unhone aise log, wohi log actually jo naujawan jo kehte the siyasat fazool hai,
इसी तरह है ना। अब वो बेशक वो मोर उठा कर जा रहे हैं और उनको लगता है यही हमारे सियासत का हदफ है, लेकिन वो एक तो वो पहले उधर मोबिलाइज हुए, फिर वो इस हद तक जज्बात में आए कि वो निकले, ठीक सही है, जो भी मतलब सतही है उस पर आप हंस सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस चीज़ को देखें, अगर हम मान रहे हैं कि एक स्ट्रक्चरल फीचर है आपके समाज का कि बेशतर लोग नौजवान, और ये आप समझ रहे हैं ना, देखें ना वो तीन लोग तो वैसे ही अभी आप सब ने ये बात की ना कि जो कुछ हो रहा है इसमें एक चीज जाहिर होती है कि समाज में बेगानगी है, ये वाली जो बेगानगी है कुछ भी नहीं करता, कुछ ना हो सकता है ना कुछ करना है, बस या तो खिसकने की कोशिश कर रहा है या जो भी है, वट एवर इट इज, दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इज द क्रूशियल मिसिंग लिंक। इसमें यकीनन वो एक पहलू होगा कि भाई शायद लोग इस पर बेगाना है, शायद किसी जगह साथ नहीं दे रहे, नजर नहीं आ रहा है किसका साथ दे, ये मैं मान सकता हूँ, ये तस्लीम करने वाली बात है कि जाहिर है अब आप आम बंदे नौजवान को ये तो नहीं कहेंगे वो जाकर कोई यानी कि सुरंग में से जाकर तलाश करेगा वो बंदे जो उसको ज़ाहरी तौर पर नहीं मिल रहा, फाइन ये बात अपनी जगह, इसका ताल्लुक जाहिर है फिर एक लेफ्ट या प्रोग्रेसिव्स की स्ट्रेटजी से है, अपने आइडियाज़ को आम करने से है, ये सारी चीज़ें। बट मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे वो लोग जो वाकिफ भी हो जाते हैं इन आइडियाज़ से, जो इन्हें कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली मुतासर भी होते हैं, देयर हैज़ टू बी सम नेक्स्ट स्टेप। लेकिन ये मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, दिस इज़ व्हाट आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम सब्जेक्टिवली। अगर आपका एक रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट एब्सेंट है, ये बात को अयाज भी कहूँ कि वो उस पीटीआई के लोगों ने, चाहे वो डिजिटली कर रहे हों या वो निकल कर बाहर कर रहे हैं और जलील हो रहे हैं इस वक्त, और माइंड यू इस वक्त वो बहुत मुतनफर है, कह रहे हैं ना कि भाई हमारे लीडर तो हमें छोड़ कर चले गए, लीडर तो बयान दे रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, इन्होंने खुद किया, इनको इनको जो है ना दफात लगा कर इनको जलील करो, लीडर कह रहे हैं। अच्छा अब वो जो बंदा है जो अपने आप को पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट समझ के ये कर रहा था, अब इसके साथ दो चीज़ें, या तो वो बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाएगा यार मैं मेरे साथ तो धोखा हुआ, यही होगा ना, या ये है कि वो कुछ और तलाश करेगा, या यस ट्रू थ्री रॉब, या वो और ज़्यादा जज्बात में आकर कहे अब तो मैं मरूंगा इसके लिए, क्या पता है, ये तो ये बात सही है। बट ईदर वे ये एक फैक्ट है कि जब तक आप से मुराद प्रोग्रेसिव, अगर आप चाह रहे हैं कि पीटीआई और पीडीएम वाली इस बाइनरी से निकला जाए, जो कि काफ़ी हद तक जो गुफ्तगू हुई है वो यही है कि क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, देन रियली द क्वेश्चन इज कि भाई व्हाई आर वी लुकिंग आउटवर्ड, व्हाई आर वी लुकिंग इनवर्ड, एक सवाल है ना, तो मेरा मकसद ये है ये कोई और तो नहीं करेगा ना, अगर वो बंदा वो नौजवान जो एक टिपिकल नजरिया पाकिस्तान पर पूरी ज़िंदगी पला बड़ा है, वो किसी भी वजह से चलो धोखे फ्रॉड के नतीजे में वो एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट अपने आप को तसव्वुर करना शुरू करता है और उसके साथ स्टैंड लेना शुरू करता है, फिर आप तो ज़्यादा अफलातून हैं उन सब के मुकाबले में, है ना, आप तो अनइवन डेवलपमेंट को भी समझते हैं, साम्राज्य को भी समझते हैं, माहौलियात को भी समझते हैं, दिस इज़ माय कंटेंशन। अब मैं आपको बताऊँ, परसों मैं पेशावर गया था, मैं हैरान हो गया, 300-400 नौजवान हैं और उनमें से 50% पीटीआई के लोग,
क्योंकि मैंने पूछा ना, मैंने फौरन आकर ये कहा कि देखिए मत समझे कि मैं कोई मैं उनमें से नहीं हूँ जो यूथिया यूथिया कहकर गालियाँ दी, मैं आपसे हमदर्दी रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आपके साथ तो ज्यादती है। आप तो अमेरिका के खिलाफ लड़ने निकले, आप तो मुल्क को सुधारने निकले, और आपके लीडर तो आपको आपको बेच कर चले गए। सब ने कहा हाँ, फिर एकदम से सब ने हाथ उठाया, हाँ क्या वो नहीं बसे, व्हाई डिड दे कम? पीटीआई वाला अगर मेरे बारे में जानकर आ सकता है, देन इट्स नॉट इवन सो मच ये वाली बात कि आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा। बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कोई हम स्ट्रेटेजिकली इतने भी मारे गए कि हमारे आइडियाज़ को कहीं पे नहीं जाते। ऑल आई एम सेइंग इज, मैं आपको हल नहीं बता रहा, अगर हल पता होता तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये कर, बट इट्स क्लियर दिस इज द मिसिंग लिंक। अब अगर आप कहें हल ये है कि हम भी कुछ सुर्खियाँ लगा कर सनसनी खेज बातें करना शुरू कर दें, या हम भी जाकर कोई फैक्शन तलाश करें जो कि हमारे, वो तो हम करेंगे, तो इस पर आप मायूसी होंगे, बट आई डोंट थिंक दिस स्टेप इज सो बिग कि हम सोचें ना कि पता नहीं को बहुत कुछ होने की जरूरत है। उसकी वजह यह कि मारूज वही है जो आप सबने बताया, और मारूज बेहतर होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव हालात जो है ना वो और बिगड़ने वाले हैं। जनरली अगर आप ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, यू कैन सी दैट, अब मिसाल के तौर पे अभी तो नहीं हुआ लेकिन कल डिफॉल्ट हो जाता है, उसका सारा बोझ तो नीचे ही जाएगा, सारा का सारा बोझ जो है ना नीचे जाएगा। मिसाल है अभी गर्मियां तो अभी शुरू हुई हैं, वो गर्मियां किस नैच तक पहुंचती हैं, इस दफ़ा तो पानी की किल्लत का बड़ा सख्त वो प्रोजेक्शन है। नो आई एम जस्ट सेइंग, ये तो आप गिनती करना शुरू कर दें तो अनगिनत चीज़ें हैं जो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देन द क्वेश्चन इज कि यार ये जो एक ऑब्जेक्टिव हालात मौजूद हैं लेकिन सब्जेक्ट एब्सेंट है, तो सब्जेक्ट हमारा वाला सब्जेक्ट एब्सेंट है, वरना बहुत सारे नौजवान अपने आप को सब्जेक्ट कहना शुरू कर दिया उन्होंने भाई, बेशक वो ट्विटर पर ही सही, लेकिन दौर देखें ना ऐसा है कि मोदी जी का भी सारा सपोर्ट बेस ट्विटर पे है, ट्रंप का भी स्पोर्ट बेस ट्विटर पे, सही है कि नहीं? तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि भाई ये व्हाट, ये एक अलग बात है कि वो काफ़ी है नहीं, वो काफ़ी नहीं है, बट वन वे और द अदर ये जो मिसिंग, दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द बिग गैप। नाउ आप उस गैप को पूर कर सकते हैं कोई संजीदा बयानिया दे के, मे बी नॉट, मे बी यही तो लोग, यही तो हमारा नौजवान चाह रहा है कि कोई धमाका खेज वाला को बयानिया हो, फिर ही वो आपके साथ जुड़ेगा। ये तो आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि क्या नफ्सियात है, क्या अमूमी लोगों की ख्वाहिशात हैं, वही है जो मैंने एक्चुअली उसको कॉन्सेप्चुअली जो बताया था कि एक ख़ास तरह का एक डिज़ायर है जिसके अंदर लोग जकड़े में, अगर आप उनको कोई ज़्यादा संजीदा या लगाम वाली बात करेंगे वो कहेंगे जाएँ जहन्नम में जाएँ, हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो अभी फौरन बताएं ना अभी वाला मसला, तो ये तो हो सकता है रीड, बट आई स्टिल थिंक दैट जहाँ तक ये सवाल है ना सबका कि कैसे, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ स्टेप कि आप कहें कि जी ये सोचा नहीं जा सकता। एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक तो वजह ये है कि जो दो चार लोगों ने बात की, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं, तंजीमें हैं, पार्टियाँ हैं, वो उनके अंदर इमेच्योरिटी नज़र आती है, राइट, कि वो कोई कॉमन ग्राउंड तलाश नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग, नौजवान, वो बस देख रहे हैं, राइट, वो किसी जगह पे अपने आप को ऐसा हिस्सादार नहीं बना, चाहे वो किसी सतह पर ही, महदूद सतह पर, बट एज सच दैट्स माई परसेप्शन ऑफ ये जो रेवोल्यूशनरी मोमेंट माइनस अननेसेसरी सब्जेक्ट। और उसका नतीजा क्या निकलता है वो अयाज ने आपको बताया, अगर हालात बहुत तजाद हों जैसे हैं, उसके अंदर फिर बर्बरियत का ज़्यादा इम्कान, क्यों, मार धाड़, वायलेंस, हेट्रेड,
और वो हेट्रेड मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है, वो एथनिसाइज भी हो सकता है, वो रिलीजस शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। ठीक, वो सिर्फ यही शक्ल है जो आप अभी देख रहे हैं, जो अभी इन्होंने बताया। अच्छे भले जमहूरियत पसंद दो, बाकी बंदा हैरान होता है कि जो कि कह रहे हैं रगड़ दो बस, इसको ख़त्म करो, बर्बाद हो जाए, ये बस कुचल देना चाहिए। यू नो दैट दैट्स ऑल्सो हैपनिंग। एंड मतलब अगर उसमें से कोई वो लीडरान ग्रामी की बात है तो अलग बात है, लेकिन भाई आम जो कारकुन है उसको अनसिविलाइज्ड कहना और उसको जाहिल कहना ये तो ज़रा ज्यादती है, क्योंकि वो तो हर ऐसा बंदा जो इस मुल्क में पला बड़ा है इस निज़ाम के अंदर, वो तो पोटेंशली वो भी तो वही है ना। आप ऐसा तासुर दे रहे हैं कि हम तो रैशनैलिटी और सिविलाइजेशन का मंबा है और दूसरी तरफ सारे ये तो स्टैंडर्ड कॉलोनियल बाइनरीज है ना, जो स्टेट पावर का और कानून नाफिज करने वाला है वो सिविलाइज है और जो दूसरी तरफ खड़ा है वो पत्नी वो दहशत गर्दी है, वो जाहिल भी है, वो अनसिविलाइज भी है। दिस इज़ टू मच, या दिस इज़ टू सिंपलिस्टिक, क्योंकि इसका नतीजा तो ये निकलेगा आने वाले कल में वो जो भी होगा तो वो कोई और उसी नाम से आपको पुकारेगा, राइट, जैसे आप जब थे पाए थे। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़, और इसमें आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इम्कानात की बात कर सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना वो मुझे लगता है कि इस वाले तजर्बे से, ज़ाहिर है इस वाले तजर्बे से ये भी ज़ाहिर होता है कि जब आप सिर्फ डिजिटलाइज तरीके से और नारों के गिर्द और स्टैंडर्ड यू नो एक स्टैंडर्ड पाकिस्तानी नेशनलिस्ट इस्लाम वाले नैरेटिव के गिर्द लोगों को करेंगे तो वो उसकी लिमिटेशंस भी बड़ी बातें होती, राइट, मतलब डंडा सोटा चले आधे से ज़्यादा लीडर तो कहें जी हम आउट हैं। ठीक, फिर जिस शर्मनाक तरीके से लोगों को खड़ा करके माफ़ियाँ मंगवाई जा रही हैं कि हम सब कुछ को गलत कहते हैं, वो क्योंकि इस तरह की फॉर्मेशन की पसली नहीं होती ना ऐसे सख्ती को बर्दाश्त करने का, वो तो उसकी लिमिटेशंस क्लियर हैं, बट उससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है कि आजकल के ज़माने में पॉलिटिकल सब्जेक्ट कैसे क्राफ्ट होता है, उसका सेल्फ परसेप्शन कैसे क्राफ्ट होता है। और लाइक आई सेड दैट्स व्हाट आई बिलीव वी आर लैकिंग, वी हैव आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस, इंटेलेक्चुअली देयर इज़ नो वन एल्स हु कैन ऑफर क्लियर एंड कोहेरेंट, यानी कि जज्बाती या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि ठोस तज़िया कि ये क्या मसाइल हैं और आने वाले वक्त में क्या क्या हमें सोचना पड़ेगा, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। बमाए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो, बमाए यू नो परिफरीज का सवाल है और वहाँ पे यानी कि ख़ास तरह के माशी प्रोग्राम ले जाने की बात हो, यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट रेल्म्स ऑफ द प्रॉब्लम, बट वो मटीरियलाइज करना पॉलिटिकली उसके लिए उस बयानिए के हामियों को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा।